हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूं कि कैस्टर ऑयल में आप सिर्फ एक चीज आपको मिलाना है और अपने बालों को ना बहुत ही अच्छी तरह से काला बनाए रखना है हमेशा के लिए। तो ये सारी चीजें मैं करती हूँ और आज मैं आप लोगों के साथ में इसे शेयर करने वाली हूँ और आपके बाल है ना बहुत ही ज्यादा मजबूत हो जाएंगे, घने भी होंगे प्लस वॉल्यूम भी आएगी आपके बालों में। तो कैस्टर ऑयल में मैं ऐसी क्या चीज ऐड करके अपने बालों पे अप्लाई करती हूँ वो पूरी वीडियो आप एंड तक देखिए। वीडियो बहुत छोटी है, ज्यादा बड़ी भी नहीं है। तो फ्रेंड्स इसे बहुत ही अच्छी तरह से आपको अप्लाई करना होता है अपने बालों पे। तो फ्रेंड्स बहुत से लोगों के बाल है ना, अब जैसे कि रेनी सीजन स्टार्ट हो गया है मुंबई में तो बाल झड़ना बहुत ज्यादा स्टार्ट हो जाता है, बाल गिरते हैं। कहीं भी देखेंगे आप कंघी में अगर कोम करेंगे तो बाल दिखते हैं, गिरते हैं, जमीन पे गिरे हुए लगते हैं। जब किचन में जाते हैं तो वहां पे भी बाल पसरा रहता है। तो ये सारी चीजें बड़ी अजीब से और अच्छा भी नहीं लगता है ना, अजीब इन द सेंस के हमारे बाल अगर जा रहे हैं तो किसी को भी हेयर फॉल हो रहा है यार तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है ना। ऐसा लगता है कि हेयर फॉल क्यों हो रहा है, हेयर फॉल नहीं होना चाहिए हमारे बाल। वैसे तो आपके ना हेयर अगर ना 100 हेयर भी अगर टूट के गिरते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर उससे ज्यादा हेयर फॉल होता है तो ज्यादा बहुत सारी ऐसी रीजन होती है जो कि हमारे हेयर फॉल होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे स्ट्रेस हो गया, बहुत मेडिसिन की अगर बहुत ज्यादा मात्रा में आप कंज्यूम करते हैं मेडिसिन, या फिर हार्मोनल इंबैलेंस हो गया, कोई भी चीज हो, इंटरनली अगर बहुत अगर कुछ प्रॉब्लम है तो ऑब्वियसली हेयर फॉल होना, हेयर लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। तो उससे बचने के लिए ना आप बहुत ही अच्छा एक ये जो है मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो आपके पास कैस्टर ऑयल होना जरूरी है, जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पे तो लॉ ऑर्गेनो की परचेज करके रखी हुई है। आप कोई भी ब्रांड का कैस्टर ऑयल ले लीजिए। लॉ ऑर्गेनो इसलिए मैंने लिया है क्योंकि इसमें बहुत सारे नो मिनरल है, नो सल्फेट है और नो पैराबीन है। तो ये सब चीजें आपको देख के लेना है, ये मेन एंड वीमेन दोनों यूज कर सकते हैं और आपके बालों को ना बहुत ही ज्यादा हेल्दियर और एकदम से ये बनाती है, स्ट्रांग बनाती है। तो ये ऑलरेडी इसमें सब कुछ प्रोसेस किया हुआ है। तो ये वाले कैस्टर ऑयल मैंने ली है, यूज कर रही हूँ, कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है फ्रेंड्स, परचेस किया है मैंने और बहुत ही अच्छा है। इसमें विटामिन ई के कैप्सूल एंड ऑल, बहुत सारे ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल, जोजोबा ऑयल, हर एक चीज प्रोसेस की है तो इसमें ऐड है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा था तो चलिए मैं इसका यूज करूंगी। इसमें ना नीम भी है, मुलेठी है, एलोवेरा है, तुलसी है, हमारे बालों को ना बहुत ही अच्छा नॉरिशमेंट देती है। मेरे बाल देख सकते हैं आप, मेरे पीछे आप देख सकते हैं पीछे की वीडियो में, तो मैंने अभी लास्ट टाइम ही अपने बालों की हेयर कटिंग की थी, खुद से कट किया था, वो आप वीडियो देख सकते हो। तो उसके बाद भी देखिए मेरे बाल जल्दी जल्दी लंबे हो जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस कैस्टर ऑयल मैं यूज करती हूँ। साथ ही साथ फ्रेंड्स मैंने इसमें एक चीज ऐड करती हूँ जिससे कि बाल है ना काले रहते हैं, बिल्कुल सफेद नहीं होते, सफेद होना स्टार्ट हो जाते हैं बाल। देखिए मेरे भी बाल ऐसे नहीं है कि आगे से देखिए बाल सफेद होना स्टार्ट हो गए, तो मैं बहुत सारे देखिए एक दो बाल आपको दिख रहे, बस उतने पे ही रुक जाए आपके बाल ना तो बहुत ही अच्छा है, सच में सीरियसली उतने पे ही रुक जाए तो अच्छा है। आगे बहुत जल्दी जल्दी अगर बाल सफेद होना स्टार्ट हो जाएंगे तो अच्छा, बाल ना जब भी सफेद बाल होते तो उन्हें कभी तोड़ना नहीं चाहिए, ये तो हमेशा आप याद रखना, अदरवाइज वो पानी लग लग के ना उसका पूरा सफेद हो जाता है, मेरी मम्मी बोलती है। चलिए और सही बात है, वैसे तो मम्मी बोलती है तो सच बात है ना। तो ये देखिए यहाँ पे एक बोल लिया है मैंने खाली और मैं क्या करने वाली हूँ, इस कैस्टर ऑयल को यूज करूंगी। तो कैस्टर ऑयल को हम निकाल लेते हैं कुछ, ये देखिए पैकेजिंग बड़ी अच्छी है इसकी, खुशबू भी बहुत अच्छी है इसकी। तो कैस्टर ऑयल को मैं लूंगी यहाँ पे अपने बालों के अकॉर्डिंग लूंगी, तो कुछ कम से कम 3 टेबल स्पून, मेरे बालों इतने लंबे हैं, मैं अच्छी खासी चंपी करने वाली हूँ और लाइव करके बताऊंगी आप लोगों के सामने। तो यहाँ पे 3 टेबल स्पून के अकॉर्डिंग मैं कैस्टर ऑयल लेने वाली हूँ और 3-4 टेबल स्पून के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे कैस्टर ऑयल लिया है और इसके अंदर अब जाएगा ब्राह्मी, जैसे कि आप देख सकते हैं ये है ब्राह्मी, मैं भी ना दिख रहा हूँ, ये ब्राह्मी है मैंने परचेस किया है, आप ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं या फिर किसी भी बंसारी की दुकान से आप जाके इसे ले सकते हैं, इसमें कोई ये नहीं है। देखिए ब्राह्मी है ये, यहाँ पे ब्राह्मी का पाउडर लेना है आपको। ब्राह्मी एक ऐसी चीज है ना फ्रेंड, आपके बालों को काला भी बनाए रखती है साथ ही साथ बालों को लंबा करने के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। तो यहाँ पे मैं पूरे 1 टेबल स्पून के अकॉर्डिंग इसमें, ये टी टेबल स्पून है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मैं ब्राह्मी लेने वाली हूँ। आपको तेल को गर्म करने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आपको कैस्टर ऑयल लेना है और इसमें ब्राह्मी ऐड कर देना है। ये देखिए ये मैंने ब्राह्मी ऐड कर दिया, आप देख सकते हैं आराम से इसे ना अच्छी तरह से एकदम मस्त पेस्ट बना लेना। आप वहां पे देख सकते हैं कैमरे में, ये देखिए ब्लैक फॉर्म ये पूरा टर्न हो जाता है, इसकी खुशबू इतनी अच्छी आती है ना फ्रेंड्स, बस इसी तरह से ना। अब ये नाइट टाइम है, रात का समय है, तो मैं इसे रात को ही लगा के सोऊंगी और सवेरे सवेरे अपने बालों को धोऊंगी,
बाल लंबे भी होते हैं, बाल अगर आपके टूट गए हैं, बालों की रीग्रोथ करने के लिए ना ब्राह्मी बहुत अच्छा होता है। सीरियसली फ्रेंड्स, बालों को लंबे समय तक आपके बालों को काला बनाने के लिए भी देखिए कितना अच्छे से ये डिजॉल्व हो चुका है। अब इसकी ऑयलिंग करेंगे। बहुत से लोगों को ये भी क्वेश्चन होगा मन में कि अरे ये रात के समय क्यों लगाए, नहाने के पहले क्यों नहीं। तो नहाने के पहले तो उतना मतलब आधा घंटा आप रखेंगे, इतना वर्क नहीं। मतलब रात को जब हम अपने बालों में हेयर ऑयलिंग करके जब सोते हैं ना, तो हमारे बालों के जो जड़े हैं नसों में जाती है ना जब वो तेल, तो हमारे बाल और अच्छे होते, तेजी से लंबे होते। तो रात के समय ही तेल लगाइए, है ना। रात को जब आप सोने जाए तो उस टाइम पे आपको तेल लगाना बहुत जरूरी है। पोषण हमारे बालों में जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं ये सारी चीजें करती हूँ फ्रेंड्स, मैंने बोला आप लोगों के साथ में इसे शेयर करूं। तो देखिए है ना, बहुत अमेजिंग है ना, बहुत ही अच्छा ये DIY है। तो इसे जरूर आप ट्राई करना और आप देखोगे ना, जैसे महीने 30 दिन या फिर 25 दिन के बाद आपके बाल लंबे भी होते जाएंगे और साथ ही साथ में एकदम बोले बाउंसी होंगे और एकदम से वॉल्यूम आ जाएगी बालों में। अगर बाल बहुत ज्यादा जैसे झड़ रहे हैं ना, तो उनके लिए तो रामबाण है ये। अब चलिए, अब ज्यादा बात ना करूंगी मैं, पूरा अच्छे से इसे चंपी करूंगी अपने बालों पे लगा के। मैं आप लोगों को लाइव चंपी कर लेते हैं। देखिए ये तेल कुछ इस तरह से है और मैं क्या करने वाली हूँ अपने हेयर पे, इसे सेक्शन बाय सेक्शन आपको इसे अप्लाई करना होता है। तो मैं अपने फिंगर से ही इसे यूज कर रही हूँ फ्रेंड्स, और अच्छी तरह से आपको इसे मसाज देना है, अपने फिंगर टिप का यूज करना है। तो मैंने जस्ट यहाँ पे डिप किया अपने फिंगर को, आप देख सकते हो, और यहाँ पे आपको अच्छी तरह से आपके स्कैल्प में ये जाए उतना आप ध्यान दीजिए और अच्छे से इसे मसाज करना है। तो ये बालों में आपका ऑयलिंग स्टार्ट हो चुका है करने। अगर आप चाहें तो आप कोम का यूज करिए और फिर से सेक्शन निकालते हुए फिर से फिंगर टिप डिप करिए, इस तरह से तेल लगाइए और दोनों साइड में इस तरह से भी कर सकती हैं, ठीक है। तो ये मेन एंड वीमेन दोनों कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। तो मैं पूरे अपने बालों पे इसे अप्लाई करूंगी अच्छी तरह से। और अच्छे से मसाज भी देते रहिए आप अपने स्कैल्प में। वैसे तो ये पूरा अच्छे से अब्सॉर्ब क्विकली आपके बालों में आपको पता चलेगा। आप 7 दिनों में भी देखेंगे आपके बाल बढ़ना शुरू हो जाएंगे। और अच्छे तरह से मसाज देते देते आपको अपने चंपी करनी है अपने बालों। बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि हम अपने बालों की हेयर ऑयलिंग करें। बहुत से लोग अपने बालों में ऑयल नहीं लगाना पसंद करते हैं, मीन्स आज की जो जनरेशन है ना वो बिल्कुल भी नहीं करती है। इवन मैं भी एक टाइम पे ऐसा था कि मैं अपने बालों पे हेयर ऑयलिंग लगाती नहीं थी, बट मम्मी मेरी पकड़ पकड़ के लगाती थी। मम्मी की अब याद आती है सच में कि अच्छा था वो टाइम, मम्मी पकड़ पकड़ के ऑयलिंग लगाते। आज के बच्चे भी वैसे ही हैं, ऐसा नहीं है, बट बालों पे ऑयलिंग करना बहुत जरूरी है। ये हमें तब पता चलता है ना जब हमें प्रेगनेंसी के बाद जब बाल जाते हैं ना, बड़ा दुख होता है, पूरा गंजापन आ जाता है। तो ऐसा नहीं, पहले से ही आप ऑयलिंग करते रहिए अपने बालों पे, तो बहुत जरूरी है। मैं करती हूँ ये सारी चीजें, और हफ्ते में 3 बार तो आप इसे यूज करिए। हफ्ते में 3 बार आपको लगाना है और महीने भर आप देखेंगे ना आपके जो बाल है ना बहुत ही अच्छा लंबे भी हो जाएंगे, ग्रोथ हो जाएगी बालों की और हेयर फॉल बिल्कुल नहीं होता इससे, ठीक है। तो देखिए मैंने ये पूरा अपने बालों पे अच्छी तरह से इसे अप्लाई कर लिया है ना। बस अब ये जो रूट होती है हमारी, मतलब लास्ट एंड, तो यहाँ पे भी पूरा अप्लाई करूंगी और एक अच्छा सा अम्बोड़ा बनाऊंगी, दैट मीन्स जूड़ा बना लूंगी। मराठी में यहाँ पे अम्बोड़ा बोलते हैं, मुंबई लैंग्वेज। तो चलिए, आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, तो जरूर लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। ये पूरी अच्छी तरह से इसे अपने बालों को टाई कर लूंगी इस तरह से।
सो बाय बाय फ्रेंड्स, हेयर ऑयलिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हेयर ऑयलिंग ज़रूर करिए अपने बालों पे, अपने बच्चों के बालों पे। इससे हमारे बालों को पोषण मिलती है, आंखों की रोशनी भी अच्छी होती है। जब हम हेयर ऑयलिंग नहीं करते तो बहुत सारी चीज़ों का प्रॉब्लम होता है, यू नो, स्ट्रेस और डिप्रेशन जो भी होता है वो भी बहुत जल्दी यू नो हावी हो जाता है। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए ना ज़रूरी ये सारी चीज़ें करते रहना चाहिए। सो मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टाटा बाय बाय, हैव अ नाइस डे, लव यू ऑल।